भारत में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर एक तरफ जहां दुनिया के बड़े देश अपनी नज़र बनाए हुए हैं, तो वहीं अब भारत के पूर्व राजनयिकों ने इस मामले पर कनाडा को जमकर सुनाया है। पूर्व भारतीय राजदूतों के एक समूह ने किसान आंदोलन पर कनाडा के रुख को वोट बैंक राजनीति बताते हुए एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र पर 22 पूर्व राजनयिकों के हस्ताक्षर हैं। इनमें कनाडा में उच्चायुक्त रहे विष्णु प्रकाश भी शामिल हैं। भारतीय राजनयिकों की ओर से लिखे गए इस पत्र में कहा गया है, कनाडा में लिबरल पार्टी अपने वोटर बेस को खुश करने के लिए भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रही है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और इससे दोनों देशों के रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। भारत के किसान आंदोलन में कुछ खालिस्तानी समर्थकों के घुस आने की खबर सामने आई थी। इस पत्र में ये भी कहा गया है कि कनाडा की धरती से अलगाववादी और खालिस्तानी लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा कनाडा के युवाओं को भी कट्टरपंथ की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। पिछले हफ्ते गुरु नानक देव की जयंती पर एक कार्यक्रम में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत में हो रहे किसान आंदोलन की खबरों को लेकर चिंता जाहिर की थी। भारत पाकिस्तान ने ट्रूडो के बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। पूर्व भारतीय राजनयिकों ने इस पत्र में भी जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी को गैर जरूरी बताया है। इसमें कहा गया है कि WTO में कनाडा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को लेकर भारत का आलोचक रहा है, जबकि किसान आंदोलन को लेकर समर्थन दे रहा है। ऐसे व्यवहार से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कनाडा की छवि खराब होगी। कनाडा ही नहीं, हाल ही में अमेरिका के कई सांसदों ने भी भारत में नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया था और भारत सरकार से अपील की थी कि उन्हें शांति से प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। उधर ब्रिटेन में भी 36 सांसदों का एक समूह भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में सामने आया। इस समूह ने ब्रिटिश सरकार से इस मामले पर भारत सरकार से बात करने को कहा था।